भारी बारिश की वजह से सोमवार को पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तेज धाराओं में बहने से तीन लापता हो गए। उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह से जारी मूसलाधार बारिश और नेपाल से छोड़े जा रहे पानी के कारण नदियां उफान पर है। प्रदेश में डूबने और आकाशीय बिजली से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में नदियों का जल स्तर बढ़ने के कारण 7 जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है, जिसमें डूबने से एक युवती की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश के कारण भूस्खलन की कई घटनाओं के चलते एक राजमार्ग समेत 70 से अधिक सड़कों को बंद कर दिया गया है। उधर गोवा में लगातार तीसरे दिन मूसलाधार बारिश के कारण कई निचले इलाके जलमग्न हो गए। उत्तर गोवा में भारी बारिश के बीच कुंदैम इंडस्ट्रियल एस्टेट में दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 2 दिनों से 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। उत्तराखंड में सोमवार को कुमाऊं के तराई क्षेत्र में भारी बारिश से हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। उधम सिंह नगर में खटीमा और सितारागंज के कई इलाके बाढ़ में डूब गए। खटीमा में बाढ़ प्रभावितों को बचाने के प्रयास में 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। वहीं शक्ति फार्म में एक युवक नदी में और बनबसा में एक बच्ची नाले में बह गई। देहरादून में 17 वर्षीय किशोरी बिंदाल नदी में बह गई है, वहीं तीनों लापता की तलाश जारी है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए शाम तक NDRF और SDRF टीमें जुटी गई हैं। खटीमा में शाम तक करीबन 500 लोगों को रेस्क्यू किया गया। खटीमा में जसाई पटपुरा पुल बाढ़ के पानी के तेज बहाव में बह गया। नगरा में शारदा नहर क्षतिग्रस्त होने से जल भराव हो गया। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय खटीमा में जल भराव के बीच बच्चे फंस गए। अरविंद नगर में परिवारों को नाव से निकालकर सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया जा रहा है। नानकमत्ता के बिछाऊ में 65 परिवार देवहा नदी की बाढ़ में फंस गए। वहीं काठ गोदाम समेत कई स्थानों में रेल लाइनों पर जगह जगह जल भराव होने से कुमाऊं में रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। चंपावत जिले के टकनपुर बनबसा में जल भराव से 50 से अधिक मवेशियों की मौत हो गई है। चलती के पास राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर बेलखेत में क्वेराला नदी के ऊपर 1994 बना झूला पुल नदी के तेज बहाव में गिर गया है। वहीं चंपावत में 24 घंटे में 500 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में सोमवार को बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा दूसरे दिन सुचारू हो गई। जोशीमठ से बद्रीनाथ के बीच बाधित हाईवे विष्णुप्रयाग में सोमवार सुबह 6:30 बजे खुल गया है, लेकिन हनुमान चट्टी के पास गुड़शिला बंद रहेगा। आपको बता दें, नेपाल से छोड़े जा रहे पानी के कारण गंगा, रामगंगा, शारदा, राप्ती, सरयू और गंडक नदियां उफान में है। इससे यूपी और बिहार में बाढ़ की स्थिति सोमवार को गंभीर हो गई है। राप्ती नदी में बलरामपुर और श्रावस्ती के कई गांवों को डुबा दिया गया है। वहीं सोमवार तड़के बनबसा बैराज से शारदा पानी छोड़ते ही पीलीभीत और खालिमपुर जिले में आफत आ गई है। पीलीभीत में नवनिर्मित माला सहगढ़ रोड पर बनी पुलिया पानी में बह गई है। पूरा रेलवे ट्रैक हवा में लटक गया है। वहीं कलीनगर और बरखेड़ा में सड़क कट जाने से कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। लगातार हो रही बारिश के और बाढ़ से बलरामपुर में 2 बच्चे, अयोध्या और सीतापुर में एक एक युवक पानी में डूब गए हैं। वहीं पीलीभीत में फरीदापुर तहसील के 3 लोग उफनाए नाले में डूब गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ पीड़ितों पर तत्काल मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सोमवार को गोपालगंज के वाल्मीकि नगर तक नदियों के जल स्तर का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिलों का हवाई सर्वे किया। वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर, गोवा, राजस्थान के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। खबरी चौखट की रिपोर्ट।